बहुत ही मान व सम्मान के योग आज के हमारे मुख्य मेहमान श्री कुलदीप जी बिश्नोई, इनके साथ आए धर्मपाल मलिक जी, पूर्व सांसद रणधीर पनियार जी, कुलवीर बेनीवाल जी, हमारे अपने पड़ोसी हल्के भट्टू से XMLA और सम्मानित वंश पाला सिंह जी कमोज, सम्मानित वंश बिल्लू गादियान जी, पूर्व मंत्री बाकी माफी चाहूंगा सम्मानित मंच, गांव गुसाइना के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक आवाज जा रही मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहने, जी कुलवीर जी तेरे बताए आने वाली 30 तारीख ने आपने बाई इलेक्शन होने जान लाए। आप बाई इलेक्शन में कांग्रेस को आशीर्वाद मैंने मिले और मैंने थारो कैंडिडेट बना के भेजे और उम्मीद भरोसों को नहीं, यकीन भी है गुसैना गांव को एक एक वोट जो है हाथ के निशान का बटन दबा के 30 तारीख में मैंने कामयाब करूंगा, कांग्रेस पार्टी ने खूब कामयाब भी करूंगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी का मान सम्मान करती है और विकास करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमेशा अमन चैन से आदमी जिए है और इन्होंने हमेशा अच्छी सरकार दी है। इनेलो का राज आपने देख चुका है, इनेलो का राज जहां का मुख्यमंत्री हो, जिस एरिया का मुख्यमंत्री हो, उस एरिया की बात ही अलग होती है। हमारे यहाँ पे 5.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके चौटाला साहब, लेकिन कुलदीप जी हमारा एरिया इतना पिछड़ा हुआ एरिया है भी अभी तक आप देखा होगा आपने, ऐसे लगता है जैसे राजस्थान में घूम रहे हैं, हरियाणा में नहीं है। यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है, राजस्थान से पानी, पीने का पानी राजस्थान से आके लेके आते हैं, राजस्थान में यहाँ पे नहर है बरोबर, वहां से लेके आते हैं, वरना पानी पीने के लिए तो नहीं है। टेल पे रहेंगे नहर, खेतों के लिए पानी नहीं है, खेती इतनी मुश्किल है, जब अगर राम बरस जाए तो खेती हो जाती है, वरना नहरी पानी के भरोसे तो यहाँ पे खेती भी नहीं होती। इंडलों को राज आपने देखा है, इंडलों के राज में जब जब राज आया इनका, सिवाय गुंडागर्दी के दमन की राजनीति, यानी दमन की भय की, इतनी भय की राजनीति भी लोग अपनी जवान भी नहीं खोल सकते। अगर वो आए हुए हैं यहाँ पे गांव में आए तो उनसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, पूछेंगे ठीक ठाक है, कोई बात पूछनी है तो बताओ, अगर कोई बोलने लगेगा बोले ठीक है बैठ जा मैं सारी जानू मेरी। तो साथियों, इतनी दमन की राजनीति, हमारे जो कैंडिडेट है अभय सिंह जी बैठे बैठे लेक्चर देते हैं, कभी खड़े भी नहीं होते, अपने इलाहाबाद की जनता को उन्होंने अपनी बापोती समझ रखा है। जिस 3 काले कानूनों के खिलाफ है उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो 3 काले कानून आज वहां खड़े हैं। सैकड़ों 700-800 किसान बॉर्डरों पर शहीद हो गए, बीजेपी के काम पे जीत जो तक नहीं रही, ना उन्होंने ना प्रधानमंत्री ने ना गृह मंत्री ने एक लफ्ज सहानुभूति का उनके लिए निकाला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसानों के, वो तो कहते हैं काले कानून है ये तो बन के रहेंगे ऐसे की ऐसे रहेंगे। और सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले, राहुल गांधी जी ने पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा शुरू की थी, हरियाणा में भी ट्रैक्टर यात्रा थी, कुलदीप जी भी उनके साथ थे, सारा मेरे इलेक्शन में भी अफवाह फैला रहे हैं, मेरे कह रहे हैं कांग्रेस एकजुट नहीं, ये कांग्रेस सारी एकजुट है, भूपेंद्र जी हुड्डा आके गए हैं, कैप्टन अजय यादव आके गई है, शैलजा जी यहाँ पे दिन रात घूम रही है, और जितने भी कांग्रेस है, जितने भी कांग्रेस के मुख्य मुख्य आदमी है वो सारे मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। अभी भ्रम तो इनमें बीजेपी के राज में है, बीजेपी के आदमी हमेशा जात पात की राजनीति करते हैं, भाईचारे को बिगाड़ने की राजनीति करते हैं, अगले को पिछड़े से लड़ाते हैं,
हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते हैं, जब जब इनको वोट चाहिए इनको मंत्र याद आ जाता है, वरना इनको कुछ याद नहीं आता। साथियों, मैं बस अब ज्यादा नहीं बोलते हुए कुलदीप जी को आप सुनने आए हैं, कुलदीप जी आपके बीच में है, तो मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही एक बार अपील करूंगा, आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट है जो हाथ के निशान के आगे वाले बटन पे दबा के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। कांग्रेस पार्टी यहाँ से मजबूत होगी तो अगली सरकार 2024 में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार होगी, और कांग्रेस की सरकार होगी तो भाई कुलदीप बिश्नोई जैसे लोगों के हाथ में बागडोर होगी, सरकार की बागडोर होगी। ये काम करेंगे, ये 36 बरादरी का साथ रखेंगे। हमेशा चौधरी भजन लाल जी ने सबको साथ रखा, सबकी कोई भेदभाव नहीं किया, सबको साथ रखा, वैसे के वैसे कुलदीप जी सबको साथ रख के और अपना कल्याण करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब अनुरोध करूंगा चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई परम आदरणीय है, मेरे पिताजी के संघर्ष के साथी रहे, जिन्होंने 40 साल तक मेरे पिताजी के साथ भाईचारा निभाया, सोनीपत से चौधरी देवीलाल जी को भी हराया, 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मेरे पिता तुल्य आदरणीय है चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी, पट्टू हल्का से विधायक रहे मेरे बहुत ही प्रिय साथी भाई कुलबीर बेनीवाल जी, नौसा हल्के से विधायक रहे मेरे भाई विजेंद्र कादियान जी, कांग्रेस पार्टी से आपके बहुत ही जुझारू उम्मीदवार भाई पवन बेनीवाल जी, बहुत लंबे समय से 3 पीढ़ियों से हमारे साथ संघर्ष करते भाईचारा निभाते और हिसार जिला के प्रधान रहे मेरे बड़े भाई रणधीर पनियार जी, मेरे संघर्ष के साथी और आपके अपने चहेते भाई पाला सिंह कंबोज जी, श्री कप्तान जी, सिरसा जिले के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे भाई श्यामलाल मेहता जी, कुलदीप बाना जी, भाई महेंद्र कड़वात्रा जी, भाई महावीर जी, भाई प्रकाश जी, भाई नौरंग जी, राधा कृष्ण जी, जयवीर जी, दलीप बिश्नोई जी, अशोक कंबोज जी, राय सिंह जी, हाथी से बहुत ही जुझारू मेरे साथी मेरे भाई विनोद मेहता जी, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, भाई बलदेव जी खोकर, तरुण जी, प्यारेलाल कंबोज जी, हमारे फतेहाबाद जिला के पूर्व अध्यक्ष रहे भाई निहाल सिंह मताना जी, हमारे फतेहाबाद के अध्यक्ष रहे भाई रमेश टूट जी, अनिल डुड्डी जी, अमरीक जी, सुभाष जी, जगदीश जी, जयवीर गिल जी, सुभाष बेरवाल जी, नरेश दायमा जी, रामेश्वर जी, और गांव के हमारे साथी जिले सिंह भेड़ू जी, कुलदीप कसवा जी, सावराम जी, रंजन भेड़ू जी, योदाराम जी कसवा, महावीर शर्मा जी, खजान शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया, मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने भाई पवन बेनीवाल के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया। साथियों, बहुत अच्छे ढंग से आपको आदरणीय धर्मपाल मलिक जी ने, भाई कुलबीर जी ने, पवन जी ने एक एक बात को समझाया, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, मैं आपको बाय इलेक्शन का महत्व समझाना चाहता हूं, क्योंकि बाय इलेक्शन आने वाले भविष्य को तय करता है। सरकार ने 2 साल में 3 साल में जो काम किए, अच्छे किए, बुरे किए, सरकार को जवाब आपका वोट के माध्यम से देने का मौका ये बाय इलेक्शन देता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद 2 बाय इलेक्शन जीते, बिहार का लोकसभा का बाय इलेक्शन मैंने जीता, अजय सुटाना को मैंने हराया था वहां से, आदमपुर का बाय इलेक्शन धारणी मैंने जीता, मेरी धर्मपत्नी रेणुका ने बाय इलेक्शन जीता, चौधरी भजन लाल जी ने बाय इलेक्शन जीता,
तो उन बाय इलेक्शन में भी हम यही बात कह रहे हैं। जब आपको मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बताइए कि सरकार को आईना दिखाने का काम ये बाय इलेक्शन करता है। एक सरकार जिसने 7 साल केंद्र में सरकार चल रही, उसने आपको बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं दिया। एक सरकार जो पिछले 7 साल से प्रदेश में चल रही, उसने कभी आपकी सुध नहीं ली। अगर उन सरकारों बीजेपी सरकार को फिर भी कोई वोट डालता तो मैं नहीं समझता कि वो अपना अपने परिवार का भविष्य उज्जवल देखना चाहता। साथियों, मोदी जी की सरकार जब बनी पिछली बार, उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था, हमारा देश बुलंदियों पे तरक्कियों पे था। उन लोगों ने घोटाले के नाम दे दे के भाई से भाई को अलग करके अच्छे दिन आने वाले हैं, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डाल दूंगा, इस प्रकार के लोक लुभावने वायदे करके आज सत्ता क्या है। 7 साल हो गए, पिछली सरकार भी गई, नई सरकार भी आ गई। इन 7 सालों में क्या हालात हमारे देश के किए? जो बीजेपी कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार में हर साल दूंगा, आज करोड़ों रोजगार हर साल ही छीन रहे हैं, जाप के सामने रिकॉर्ड। जो कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम हम 30 रुपए से भी नीचे कर देंगे, आज 100 रुपए से ऊपर लेके चले। जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, तुम्हारी जो जीडीपी थी वो 9% थी, आज 5% से भी नीचे चली गई। किसानों की आय कैसे दुगनी कर देंगे हम 2022 तक, आज किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। फिर भी अगर कोई बीजेपी को वोट डालता है तो मेरी समझ से बाहर कि क्या सोच के वोट डालता है। साथियों, आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत, उस ताकत को आपको समझना होगा। आपके वोट की ताकत से आपने सरकार को दिखा देना कि बाकी अगर आपके बचे हुए 2.5-3 साल हैं, अगर आपने इसमें काम नहीं किया तो बाय इलेक्शन की तरह हम आम चुनाव के अंदर भी आपको बाहर कराते हैं। ये मौका आपके पास, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता आज आपकी ओर देख रही कि क्या हरियाणा प्रदेश के साथ हुए धोखे का क्या वोटों से उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे। 3 काले कानून उन्होंने बनाए, 3 काले कानून किसानों को तबाह बर्बाद करने के लिए बनाए। आज देश का किसान 1 साल से ऊपर बॉर्डर पर बैठा है, वो किसान भी आज आपकी ओर देख रहा कि अलाहाबाद हलके के लोग क्या हमारा साथ देते, हमारे संघर्ष का, हमारी कुर्बानियों का, हमारी शहादत का साथ देते कि नहीं देते। साथियों, आम चुनाव मत समझो, क्योंकि ये बीजेपी का काम भाई को भाई से लड़ने का है। कभी हिंदू मुसलमान का नारा दे देते हैं, कभी जात पात का दे देते हैं, कभी रिश्तेदारियों का दबाव बनवाते हैं, कभी लोग भाने वायदे करते हैं, लेकिन समझदार वोटर वो होता है जो हर चीज को नाप तोल कर देखता है। कांग्रेस का इतिहास देखिए, जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी, अमन चैन और शांति रही, विकास हुआ, चाहे वो प्रदेश की बात है चाहे वो देश की बात। तो ये चुनाव फैसला करेगा कि आप आने वाली सरकार कांग्रेस की चाहते हैं या फिर इन गुंडे मवालियों की, इन बीजेपी की चाहते हैं, ये फैसला आपका ही वोट का है। साथियों, अपने बच्चों के भविष्य को अगर आप उज्ज्वल देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं इलाके में पहले की तरह विकास हो, देश पहले की तरह तरक्की करे, तो भाई पवन बेनीवाल जी को आपको भारी मतों में जाना चाहिए। एक व्यक्ति ये तो मैंने सुना है कि लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के सरकार में शामिल होते हैं, लेकिन पवन बेनीवाल जी ने सरकार को इसलिए छोड़ा, पिछले गांव में बोल रहे थे कि मैं मांग करता रहा सरकार से कि हमारे इलाके के अंदर कई गांव में सेम है, कई गांव में दिक्कतें, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं, फसलें बर्बाद हो रही, मुआवजा नहीं मिल रहा, ये और कामों को लेकर मेरी सुनवाई नहीं थी, इसलिए मैंने सरकार को छोड़ा। सरकार को छोड़ने वाला आदमी निस्संदेह मन से जनता की राजनीति करना चाहता है। अगर आप ऐसे आदमी को वोट नहीं दोगे तो कल कौन कुर्बानी देगा, कौन संघर्ष करेगा आपके लिए। इसलिए साथियों, सच्चा बढ़िया व्यक्ति है। जब टिकटों का फैसला हमारा दिल्ली में हो रहा था तो हम लोग सब बैठे हुए, जितने भी लीडर, सहजा जी थी, भूपिंदर हुडा जी, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, मैं भी था, कैप्टन अजय सिंह भी थे, विवेक बंसल जी भी थे। तो जब कैंडिडेट के नाम की बात आई, सर्वसम्मति से हमने एक नाम दिया कि एक व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जो इतना लंबा अहलाबाद हल्के के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, संघर्ष कर रहा है, हमें उसको वोट देना चाहिए ताकि जनता के मन में भी आएगी हमारे जमीन से हमारे जुड़े हुए आदमी को आपने टिकट दी। साथियों, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि अगर आप अपने दोबारा दोहराना इस इलाके के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए,
अपना मत आप कांग्रेस पार्टी को दे। एक बार पुनः आप सबने बहुत मान सम्मान मालाओं से आशीर्वादों से मारा बढ़ाया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका भार व्यक्त करता हूं और उम्मीद अपेक्षा प्रार्थना करूंगा कि हम सब नेता जो आपके पास एक बड़ी उम्मीद लेके आशा लेके आपके पास आए हैं, हमारा सम्मान रखते हुए हमारे भाई पवन बेनीवाल जी को आने वाली 30 तारीख को अपना वोट देकर